उत्तर प्रदेश में अस्पताल अड्डे बन गए हैं धन उगाही के। यहाँ नियमों की अनदेखी कर मरीजों के साथ धोखेबाजी की जा रही है। अस्पताल के कर्मचारियों को वेतन के लिए भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है विगत 6 महीनों से वेतन। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं अस्पताल में सफाई कर्मचारी प्रदान करने वाले संदीप कुमार से। तो आज मैं संदीप कुमार जी के साथ, इनकी कुछ प्रकरण हैं, इनकी कुछ परेशानियां हैं यहाँ के अस्पतालों को लेकर के, तो आज जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी है और ये क्या चाहते हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। जी, मैं संदीप कुमार सर जी। सर, एक्चुअल में हम लोग FI हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग का काम कराते हैं, जो कि साफ सफाई से संबंधित काम रहते हैं, जिसमें हम लोग सफाई कर्मचारियों को सप्लाई करते हैं। तो पिछले कई सालों से मेरा काम चल रहा है, मैन पावर का काम चल रहा है, तो जिसमें कि हम लोग सफाई वर्किंग कराते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछे का ऐसा काम कराते हैं। पिछले 7-8 महीनों से ये होता था कि हर महीने की पेमेंट 1 महीने या 2 महीने के बाद मिल जाती थी, और इधर करीब 7 से 8 महीने हो गए हैं जो कि हम लोग की हाउसकीपिंग की सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे जो हमारे 4 क्लास सफाई कर्मचारी हैं उनका भी हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आए दिन ये होता है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो आते हैं, हमारे ऑफिस आते हैं, कहते हैं सर मैंने काम किया, मुझे पेमेंट चाहिए। हम जो हैं वहाँ के डायरेक्टर हैं, शोएब जी हैं और या आसिफ जी हैं, तो इनको बराबर कांटेक्ट कर रहे हैं, बस ये लोग कोई कांटेक्ट का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार व्हाट्सएप मैसेज भी डाल रहा हूँ कि सर प्लीज़, जो हमारे 4 क्लास कर्मचारी हैं उनको पेमेंट करना है, उनके आगे प्रॉब्लम है। जो कोई एक कर्मचारी आते हैं मेरे पास, मुझे बोलते हैं कि भैया मेरे घर में आज खाने को नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, भैया कुछ पेमेंट कराइए। तो मेरी जहाँ तक क्षमता थी तो मैंने उनको अपने पास से कुछ पेमेंट कराई है, लेकिन अब मेरी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उनको अपने पास से पेमेंट करा सकूँ। मैं आए दिन शोएब जी को और आसिफ सर को रोज फोन करता हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है मेरा। तो मेरी शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है, मैंने आज तहरीर कैसरबाग कोतवाली में दी है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो मेरा बकाया धनराशि है उसे जो है आपके सहयोग से उनसे बात करके मुझे प्राप्त करा दिया जाए। तो मैं आज तहरीर दे के आया हूँ सर, और मेरी शासन और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो बकाया पेमेंट है अगर मुझे दिला दी जाए तो बहुत महान कृपा होगी, क्योंकि जो 4 क्लास कर्मचारी हैं वो बहुत परेशान हैं, आए दिन मेरे ऑफिस में आके कोई ना कोई बवाल, कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं, जिससे मैं बहुत टेंशनाइज होता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस वक्त, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपका अभी तक कितना बकाया धनराशि है जो आपको जनवरी चाहिए? सर मेरी कम से कम वही 2.5 लाख की पेमेंट अभी पड़ी हुई है। उन्होंने आपको अब तक कितना पेमेंट किया? अभी तक उन्होंने पेमेंट मुझे 1,03,000 रुपये के समथिंग किया, जो कि मैंने 3.5 लाख के करीब मैंने काम किया है। तो अभी तक उन्होंने पार्ट पेमेंट में कभी 2,000 कभी 5,000 ऐसे करके मुझे पेमेंट कराई गई है, जिसकी मेरी रिसीविंग और सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई है। नहीं, ये आपने कैसरबाग थाने में दिया? तो मैंने कैसरबाग थाने पे दिया है, लेकिन कैसरबाग थाने में मैं जब भी तहरीर देके आया तो मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी गई है। ठीक है जी, वहाँ पे आपको कौन मिला था? सर वहाँ पे एक इंस्पेक्टर साहब थे, अजय नारायण सर, ऐसा जो नाम अजय सिंह सर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने आसिफ जी को फोन भी किया है, बट फोन पे उनका रिप्लाई ये था कि आप, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल से कोई भी सामान आप उठा लाइए, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं पेमेंट नहीं करा पाऊंगा। अच्छा जी, जब आपकी सही बात हुई थी आसिफ से और बाकी जो आपके उनके पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया था? सर मेरी जब उनसे बात हुई थी तो एक्चुअल में तब तो पेमेंट का कोई इशू ऐसा नहीं था, 2 महीने में 1 महीने में पेमेंट, जैसे कि मैंने जनवरी में काम किया तो मुझे फरवरी की 10 या 15 तारीख को पेमेंट हो जाता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अगले महीने पेमेंट करूंगा, फिर उसके बाद करूंगा, ऐसे कहते कहते सर 3-4 महीने हो गए। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि मेरा हॉस्पिटल थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, अभी स्टाफ नहीं, पेशेंट नहीं आ रहे, तो मैंने थोड़ा सा और पेशेंस रखा। धीरे धीरे 7-8 महीने हो गए सर, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आज वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे, मैं ऑफिस जाता हूँ बैठा रहता हूँ बाहर, वो मिलते तक नहीं है, और मुझे बाहर से ही बोल देते हैं कि वो है नहीं सर, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। तो FI हॉस्पिटल्स की आप बात कर रहे हैं? जी, जब हमने इसके पीछे अपने लोग लगाए और इनके बारे में पता किया तो हमें पता चला ये टोटली फर्जी हॉस्पिटल है। हाँ सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे एक्चुअल में होता भी है ऐसा कुछ, यहाँ पे फर्जी वाला थोड़ा सा ज्यादा है,
आए होता क्या है, मेरे स्वीपर जो वहाँ पे काम करते हैं वो मुझे बताते रहते हैं कि भैया पेशेंट आया यहाँ पे, पेशेंट एक्सपायर हो गया, पेशेंट एक्सपायर होने के बाद भी उसको वेंटिलेटर पे डाल के रखते हैं, वेंटिलेटर पे डाल रखते हैं, और जो यहाँ से अंदर से दवाइयाँ जाती हैं वो दवाइयाँ अंदर से फिर से वापस आती हैं। तो इस तरह की भी मुझे मेरे एम्प्लॉय मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं सर, लेकिन मुझे उससे क्या मतलब है मैं, लेकिन फिर भी आज ये सारी चीजें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन इस चीज को देखे और इस पे कार्रवाई करे सर। हमारे जैसे कितने अनेक गरीब आदमी जो हैं परेशान होते हैं इन सब चीजों से। और आप तो उन लोगों के साथ काम करते हैं तो सुबह कमाते हैं तो शाम को खा पाते हैं सर, हमारे और पास ऐसे में अगर उनका पैसा अगर आप रोकेंगे उनकी वजह से तो उनके परिवार उनको कितना कष्ट होगा। जी तो हमारी यही शासन प्रशासन से यह रिक्वेस्ट रहेगी कि इनकी प्रॉब्लम को देखा जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि उन गरीब लोगों के साथ न्याय हो सके, उनको अपना पैसा टाइम पर मिल सके। एपिसेंटर न्यूज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।